तो मूवी के शुरू होते ही हमें 100 साल पहले का वक्त दिखाया जाता है, जब ह्यूमंस जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर हुआ करते थे, जिन्हें टाइटंस कहा गया था। उन्होंने पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया था और टाइटन से बचने के लिए इंसानों को अपनी ही बनाई हुई दीवारों के पीछे सर्वाइव करना पड़ रहा था। ये इंसान उस दीवार के पीछे इस उम्मीद में छुपे थे कि अगर कोई टाइटन्स फिर से आ गया तो ये दीवार उन्हें बचा कर रखेगी। मगर अब 100 साल बीत चुके थे और लोग टाइटन्स को भूलने लगे थे। टाइटन्स अब सिर्फ किताबों में हिस्ट्री बनकर रह गया था, जो बच्चों को डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दीवार को पार करके भी कोई भी इंसान उस पार नहीं जा सकता था, क्योंकि गवर्नमेंट ने टाइटन्स के डर से दीवार के उस पार जाना डिसअलाउ कर दिया था और लोग उसी तरह मुश्किल में ज़िंदगी बिताने के लिए एग्री हो गए थे। दीवार के अंदर की दुनिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एरिया नंबर 3 फार्मर्स और वर्कर्स का था, जो खेतों में काम करके सर्वाइव करते थे। एरिया नंबर 2 इंडस्ट्रियल था, वहाँ पर फैक्ट्रीज बनाई गई थी। और एरिया नंबर 1 प्राइमरी था, वहाँ रिच लोग पूरी सिटी को कंट्रोल किया करते थे और किसी को भी अपना एरिया छोड़कर दूसरे एरिया में जाने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं थी। और एरिया नंबर 3 में एक लड़का था जिसका नाम एरिन था। वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड था और वो टाइटन से बिल्कुल नहीं डरता था, और वो टाइटन से डरकर 4 दीवारों में ज़िंदगी गुजारने वाला नहीं था, क्योंकि उसमें हमेशा से कुछ बड़ा करने की लगन थी और उसकी ख्वाहिश थी कि वो बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करे। और वो अपनी ख्वाहिश को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करता है, क्योंकि वो टाइटन्स पर बिलीव नहीं करता था। उसे लगता था कि टाइटन्स एग्जिस्ट ही नहीं करते और उसे लगता था कि लोग टाइटन से डरते हैं और इसलिए यहाँ पर आके छुपे हुए हैं। और एरिन के साथ एक मेल फ्रेंड भी होता है, जो कि काफ़ी टैलेंटेड होता है। मगर किसी भी आम इंसान को कुछ भी इन्वेंट करना मना था, क्योंकि गवर्नमेंट का सोचना था कि इंसान अगर कोई भी सक्सेस के लिए अपना इन्वेंट करेगा तो वो गलत करेगा। वहीं पर एक लड़की थी जिसका नाम मिकासा होता है। एरिन और मिकासा एक दूसरे को काफ़ी लाइक किया करते थे और वो दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी लाइफ बिताना चाहते थे। एरिन का फ्रेंड उससे मिलने आ रहा होता है, मगर वो एक आदमी से टकरा जाता है और वो उस आदमी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। एरिन खुद को वहाँ पाकर काफ़ी लकी फील करता था, क्योंकि वो वहाँ से दुनिया के दूसरे तरफ लोगों को भी देख सकता था। और एरिन को वो जगह काफ़ी पसंद इसलिए भी थी क्योंकि वहाँ बॉम्ब मशीन पड़ी थी और वहाँ दूसरे लोग डर से नहीं आया करते थे। और एरिन ने डिसाइड कर लिया था कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, वो दूसरी साइड में जाकर ही रहेगा। और वो अपने फ्रेंड्स को भी इस बात पर एग्री करा लेता है। उस दीवार के आसपास सोल्जर का काफ़ी ज़्यादा पहरा होता है, मगर पहली बार वो सोल्जर से बचते हुए दीवार के पास पहुंच जाते हैं। पर इससे पहले कि वो आगे बढ़ते, वो पकड़े जाते हैं। उन सोल्जर्स का लीडर उन्हें बचा लेता है, क्योंकि वो एरिन को काफ़ी लाइक किया करता था। उन्हें पता था कि एरिन काफ़ी टैलेंटेड है और वो एरिन के इस पैशन को अंडरस्टैंड करते थे। अभी ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक से ज़मीन कांप उठती है और जब वो दीवार के ऊपर देखते हैं, उन्हें बिलीव नहीं हो पा रहा था जो वो देख रहे थे, क्योंकि पहली बार उनका इतने खौफनाक चीज़ से सामना जो हो रहा था, वो एक मॉन्स्टर था जो कि टाइटन मॉन्स्टर था। और इस मॉन्स्टर को जाइंट भी कहा जाता है। वो दीवार से भी ज़्यादा बड़ा होता है। वो आग का बना हुआ था और उस वक्त वो आग निकाल रहा था और अपने बड़े बड़े पैरों से दीवार को तोड़ रहा था। वो लोग काफ़ी डरे हुए थे और हैरान होते हैं। आग से अटैक करने की वजह से काफ़ी बुरी हालत हो चुकी थी। लीडर एक सोल्जर को ऑर्डर देता है कि वो बॉम्बिंग शुरू करे, लेकिन वो सोल्जर कहता है कि गवर्नमेंट ने हमें इन चीज़ों का यूज़ करने से मना किया है। और वो जाइंट काफ़ी बड़ा होल कर देता है और हवा की तरह गायब हो जाता है और वहाँ पे तूफान आने से पहले की खामोशी छा जाती है। और देखते ही देखते उस होल से टाइटन्स आने लग जाते हैं। देखने पर तो वो इंसानों की तरह ही लग रहे थे, लेकिन इंसानों के मुकाबले वो काफ़ी बड़े थे। इंसानों को देखकर उनके फेस पर एक ईविल स्माइल आ जाती थी, जैसे उन्हें उनका खाना मिल गया हो। लीडर बॉम्बिंग करना शुरू कर देते हैं, मगर उसे ये नहीं मालूम था कि टाइटन्स कभी नहीं मर सकते और जख्मी उनका अपने आप ठीक हो जाता है। और क्योंकि टाइटन्स तादाद में ज़्यादा थे, उन्होंने इंसानों को चारों ओर से घेर लिया था
और इंसान उनसे बहुत ही ज्यादा छोटा दिख रहा था और वो इंसानों को कीड़ों मकोड़ा की तरह समझ रहे थे, जिसे मसल देना चाहिए और खिलौना समझ रहे थे। इंसान टाइटन्स के लिए बारबेक्यू से कम नहीं थे, क्योंकि वो उन्हें वैसे ही मज़े से खा रहे थे। सोल्जर्स इतने ज़्यादा डर गए थे कि वो टाइटन्स के खाने बनने से अच्छा सुसाइड करना प्रेफर कर रहे थे और अपने आप को ही मार डाल रहे थे। टाइटन्स ने वह काफ़ी तबाही मचा रखी थी और लोग या तो टाइटन्स के नीचे आकर मर रहे थे या फिर लोगों की अफरा तफरी में जाकर कुचले जा रहे थे। और उन लोगों को अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ एक ही जगह दिख रही थी, जो कि सिटी का हॉल था। और लोग सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए जबरदस्ती अंदर घुसे जा रहे थे। एरन और मिकासा भी खुद को सेव करने के लिए वहां जाते हैं, मगर मिकासा को एक बच्ची और उसकी माँ नजर आती है और उसे उन लोगों पर तरस आ जाता है और वो बच्ची को बचाने के लिए वहीं छूट जाती है। और एरन देखते ही देखते धक्का खाते हुए अंदर चला जाता है और हॉल का डोर बंद कर दिया जाता है। एरन उस डोर को खोलने की काफ़ी कोशिशें करता है, मगर लोग उसे रोक देते हैं। मिकासा ने उस बच्ची को पकड़ा हुआ होता है, तभी एक टाइटन उनके आगे आ रही होती है। एरन को सब कुछ दिख रहा होता है, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। टाइटन्स मिकासा और बच्ची दोनों को निगल जाता है और अचानक से वहाँ खामोशी छा जाती है और एरन कैसे भी करके वहाँ से बाहर निकल आता है। और जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है, वो देखता है कि सारे टाइटन्स ने हॉल को घेर लिया है और सभी छत को तोड़कर सभी इंसानों को खा रहे हैं और वहाँ खून की नदी बह रही थी। और हालात से परेशान होकर एरन सिटी के आगे बढ़ जाता है। फिर हमें 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एरिया नंबर 2 यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया दिखाया जाता है, जो कि मजबूत दीवार की वजह से टाइटन से बचे हुए थे। और पिछले हमले में सरवाइव करने वाले लोग भी इस जगह पर आकर रहने लगे थे, क्योंकि एरिया नंबर 3 में अभी भी टाइटन्स ही थे। लोगों के आने की वजह से खाने पीने की कमी आ रही थी और लोग वैसे भी मर रहे थे। और अब एरिया नंबर 3 के लोगों के पास खुद को बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो टाइटन्स पर अटैक करे, यानी कि टाइटन्स को हरा कर अपना एरिया को बचा ले। और टाइटन से बचने के लिए वहाँ पे सोल्जर्स बनाई गई थी, जिन्हें 2 साल की स्टक ट्रेनिंग दी गई थी और उन्हें तैयार किया गया था। इसमें एरन और उसका दोस्त भी होता है, क्योंकि वो मिकासा की मौत का बदला लेना चाहते थे। एरन को मिकासा को ना बचाने का गिल्ट था। उन लोगों को एक कमांडर लीड कर रहा था, जिसका नाम कुबाल था। कमांडर कुबाल प्लान बताता है कि वे लोग रात के अंधेरे में निकलेंगे और एरिया नंबर 3 में हुए बड़े होल जहां से टाइटन्स आ रहे थे उसके ऊपर ब्लास्ट करेंगे, जिससे कि ऊपर का मलबा ब्लास्ट होकर नीचे गिरेगा और होल बंद हो जाएगा और दीवार इतनी मजबूत है कि वो टाइटन्स अंदर नहीं आ पाएंगे। और एक बार वो होल बंद हो जाए तो हमें टाइटन्स को हरा सकते हैं। और ये एक्सप्लोजन उनकी आखिरी उम्मीद थी। इस मिशन में या तो वो लोग मर जाएंगे या तो टाइटन्स को मार देंगे। वेपन्स हेड सब सोल्जर्स को अपना बनाया हुआ खास वेपन्स के बारे में बताती है, जिसकी मदद से वो उड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि टाइटन्स के गले पर वार करने से वो मर जाएंगे और दोबारा जिंदा भी नहीं होंगे। प्लान के मुताबिक वो रात के अंधेरे में मिशन के लिए निकल जाते हैं, मगर अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले ही उन्हें कुछ अजीब सा लगने लग जाता है। वो अपने आसपास चेक करते हैं, मगर उन्हें वो सिर्फ गाय की आवाज़ें लग रही थी और उन्हें सब कुछ ठीक लगता है और वो आगे चल पड़ते हैं। फिर एक लेडी को बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगती है और उसे लगता है जैसे कोई बच्चा मुसीबत में हो, और वो उसे बच्चे की हेल्प करने आगे बढ़ती है और एरन भी उसके साथ जाता है। और जब उन्हें वो बच्चा मिलता है तो वो देखते हैं कि ये टाइटन्स का बच्चा है और वो जाइंट बच्चा उन्हें पकड़ने की कोशिश में नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही वो बच्चा जोर जोर से रोने लग जाता है। उसकी आवाज़ सुनकर सारे टाइटन्स जाग जाते हैं और वहाँ पर आ जाते हैं और उन लोगों को घेर लेते हैं। और इस वक्त वो लोग काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे, क्योंकि उनका सेल्फिश कमांडर वहाँ से सारे वेपन्स लेकर भाग गया था। एरन के फ्रेंड्स को टाइटन्स पकड़ लेते हैं, मगर एक दूसरे सोल्जर्स वहाँ पर आके उन्हें बचा लेते हैं और वो टाइटन से पूरी तरह घिर चुके थे।
तभी वहाँ टैलेंटेड टाइटंस का शिकारी चिकिशिमा वहाँ पर आ जाता है और वो करीब 10 से 12 टाइटंस को मार देता है। चिकिशिमा के साथ एक बहादुर सोल्जर भी होती है जो कि और कोई नहीं मिकासा होती है। जी हाँ, वो जिंदा थी। वो दोनों अपने फास्ट वेपन के हेल्प से सभी को मार डालते हैं और सबको मारने के बाद वो अपने टारगेट यानी कि दीवार के उस होल को बंद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मगर हैरानी की बात ये थी कि मिकासा अपनी कोई भी फीलिंग्स एरिन को नहीं दिखा रही थी, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद वो सिर्फ अपना बदला लेना चाहती थी। मिकासा को वो टाइटन निकल चुका था, लेकिन चिकिशिमा ने उसे बचाया और टाइटन से लड़ना सिखाया। टाइटन से लड़ने का वो एक सीक्रेट बताता है कि अपने गुस्से को आजाद छोड़कर टाइटन्स पर टूट पड़ो और उनका सामना करो। वो एक चीज और बताता है कि इंसानों का दुश्मन टाइटन से ज्यादा उनका डर है, जो कि उसे छुपने पर मजबूर कर देता है। उनका सेल्फिश लीडर कुबाल वहां पर आकर कहता है कि हमारे फास्ट वेपन्स हमारे सीक्रेट जगह पर नहीं मिले, बल्कि वो अंडरग्राउंड केव में थे और मैं उस वेपन्स को खोना नहीं चाहता था, इसलिए मुझे जाना पड़ा, क्योंकि कोई चीटर है जो उन वेपन्स को चुराना चाहता है और मैं उन वेपन्स को खोना नहीं चाहता। वो लोग उन वेपन्स को लोड करने लग जाते हैं, पर टाइटन्स उनकी आवाज़ सुन लेते हैं और अचानक से टाइटन्स दो लोगों को खा जाते हैं। लेकिन उस लालची लीडर को एक्सप्लोजिव की ही पड़ी थी, पर कोई चोर वहां पर आ जाता है और एक्सप्लोजिव वाली गाड़ी ले जाता है। मगर एक लेडी जिसके हस्बैंड को टाइटन्स निगल चुका था, गुस्से में आकर चोर से वो गाड़ी छीन लेती है और एक्सप्लोजिव को बचाने के बजाय आग लगा देती है और अपने हस्बैंड का बदला लेने के लिए गाड़ी को टाइटन्स के बीच ले जाकर क्रैश कर देती है। लेकिन इतने हैवी ब्लास्ट के बाद भी टाइटन्स को कुछ भी नहीं होता और उनकी आखिरी उम्मीद एक्सप्लोजिव भी नहीं बची थी और सेल्फिश लीडर भी वहाँ उन्हें मरने के लिए छोड़ गया था और वो लोग टाइटन से घिर चुके थे और एरिन भी अब हिम्मत हार चुका था। लेकिन फिर उसे चिकिशिमा की गुस्से वाली बात याद आती है और वो अपने गुस्से को आजाद छोड़कर टाइटन से मुकाबला करने चला जाता है। वो मुकाबले में कुछ टाइटन्स को हराने में कामयाब भी हो जाता है और टाइटन से मुकाबला करते करते उसकी एक टांग टूट जाती है और एक टाइटन एरिन के फ्रेंड को पकड़ लेता है और लोग उसे बचाने की काफी कोशिशें करते हैं ताकि टाइटन्स उसे निगल ना जाए। एरिन डिसअपॉइंट हो चुका था कि वो लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहा, मगर फिर वो हिम्मत जुटाकर अपने दोस्त को बचाने जाता है और वो सही वक्त पे अपने दोस्त को बचा लेता है, मगर इस दौरान वो अपना एक हाथ खो देता है और आखिरकार एक टाइटन एरिन को निगल लेता है और एरिन देखता है कि वो टाइटन के पेट में आ चुका है और वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो रहा है। ये देखकर मिकासा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और टाइटन पर अटैक कर देती है, मगर किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी, वो क्रैश हो जाती है क्योंकि उसका ब्लेड खराब हो चुका था और अब मिकासा को अपनी मौत नजर आ रही थी क्योंकि वो अब वही टाइटन उसके पास भी आ रहा था। मगर अचानक से टाइटन के पेट में कुछ गड़बड़ होने लग जाती है और टाइटन के मुंह को चीरते हुए एक मॉन्स्टर बाहर आता है और एक एक्सप्लोजिव से काफी बड़ा जाइंट पैदा होता है और ये जाइंट टाइटन्स को मार रहा था और गौर से देखने पर उन्हें पता चलता है ये जाइंट और कोई नहीं बल्कि एरिन है। मगर बाकी जाइंट की तरह ये भी कमजोर हो रहा था। लेकिन तभी एरिन को समझने वाला लीडर एक अजीब सी बात कहता है कि इसके गले पर पीछे काट दो और किसी को भी उसकी बात समझ नहीं आती। मगर फिर भी मिकासा ऐसा ही करती है और मॉन्स्टर से एरिन निकल कर आता है और हैरानी की बात ये थी कि एरिन का टूटा हुआ हाथ और पैर भी रीजनरेट हो गए थे। ये देखकर सब काफी हैरान हो गए थे, मगर किसी अननोन रीजन की वजह से चिकिशिमा स्माइल कर रहा था जैसे उसे पहले से ही पता हो कि ऐसा होने वाला है। फिर हमें एरिन के पास्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर एरिन के फादर जो कि साइंटिस्ट थे वो एरिन में किसी तरह का वैक्सीन इंजेक्ट कर रहे थे। वहाँ पर एक लीडर भी था जो कि और कोई नहीं वही एरिन को समझने वाला लीडर होता है
और एरिन की मदर उन्हें ये सब करने से रोकती है, जहाँ पर एरिन के फादर कहते हैं कि इस वैक्सीन की हेल्प से एरिन आगे चलकर लोगों को बचाने में एक बड़ा रोल अदा करेगा। उतनी ही देर में कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर उनके डोर को नॉक करते हैं और एरिन के फादर एरिन और उस लीडर को छुपा देते हैं। उन ऑफिसर्स के बीच कुबाल भी होता है और उन लोगों को पता चलता है कि एरिन के फादर किसी खुफिया एक्सपेरिमेंट में काम कर रहे हैं और आम लोगों को एक्सपेरिमेंट करना अलाउड नहीं होता और इन्वेंशंस भी अलाउड नहीं थे। पनिशमेंट के तौर पर एरिन के पेरेंट्स को अरेस्ट कर लिया जाता है और साथ ही उनके एक्सपेरिमेंट्स को जला दिया जाता है और इसीलिए वो लीडर एरिन को लाइक करते थे उसकी इसी खूबी की वजह से, और वो उस वैक्सीन से एरिन और भी पावरफुल हो गया था ताकि वो लोगों को बचा सके। फिर जब एरिन की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि काबुल ने उसे अरेस्ट कर लिया है और उसे खुद को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि वो सच में एक जाइंट बन गया था, और साथ ही उसे प्राउड भी फील हो रहा था कि उसमें एक ऐसी खूबी है जिससे वो लोगों को सेव कर सकता है। लेकिन एरिन कुबाल के लिए खतरा था, इसलिए वो एरिन को प्रिजनर बनाकर रखता है क्योंकि उसे ये लगता था कि इंसानों को कोई भी इन्वेंशंस एक्सपेरिमेंट्स नहीं करना चाहिए, एक डरपोक बनकर वॉल के पीछे छुपा रहना चाहिए। और जब लीडर एरिन का सपोर्ट करता है तो कुबाल उसे शूट कर देता है, पर मरने से पहले वो लीडर कहता है कि कुबाल ने ही तुम्हारे पेरेंट्स को मारा है। ये सुनते ही एरिन और उसके फ्रेंड्स कुबाल के अगेंस्ट हो जाते हैं। फिर तभी एक पावरफुल जाइंट जंप कर वहाँ पर आता है और सबसे पहले वो एरिन को पकड़ लेता है। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सबको हटा दे रहा था। वो जाइंट एरिन के फ्रेंड को भी मारने वाला था मगर मिकासा उसे रोक देती है और ऐसा लग रहा था जैसे वो मिकासा की बात समझ रहा हो, और वो एरिन को अपने साथ ले जाता है और इन सब के बीच कुबाल की मौत हो जाती है और अब उन लोगों के पास एरिन भी नहीं होता और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और एरिन का फ्रेंड को याद आता है कि अभी भी उनके पास एक एक्सप्लोजिव बची हुई है, उसका यूज़ करके वो अपना मिशन पूरा कर सकते हैं और वो सब बॉम्ब को लेकर एरिया नंबर 3 चले जाते हैं। और एरिन की आंखें जब खुलती है वो एक बड़ी और अजीब सी जगह पे होता है, वहाँ पे शिकिशिमा भी होता है, जहाँ पे शिकिशिमा काफ़ी सारी बातें रिवील करता है कि ये टाइटन्स इंसानों के ही बनाए गए हैं और इन्हें एरिन के फादर ने ही बनाया था। उन्होंने ये आर्मी वेपन्स के लिए बनाया था लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है जिसका नतीजा ये हुआ कि वायरस इंसानों में फैल गया और सब टाइटन्स बनने लगे और उन्होंने तबाही मचा दी। ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा और मुसीबत की बात तो ये है कि टाइटन्स बिना कुछ खाए भी रह सकते हैं, यानी कि ये कभी भी नहीं मरने वाले। इन्हें मारने का उपाय एरिन के फादर के साथ ही मर गया था, अगर गवर्नमेंट उन्हें एक्सपेरिमेंट्स करने से ना रोकती तो शायद आज टाइटन्स को मारने का कुछ तो सॉल्यूशन वो ढूंढ ही लेते। और एरिन के फादर ने एरिन को ही वैक्सीन इंजेक्ट करने के लिए इसलिए चुना ताकि वो लोगों की जान बचा सके और टाइटन से लड़ सके, और एरिन कभी भी नहीं मर सकता, वो जब चाहे जाइंट बन सकता है। और शिकिशिमा ये भी बताता है कि उसने ही वेपन्स चुराया था और क्योंकि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। शिकिशिमा की बातों से एरिन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसके साथ देने को रेडी हो जाता है। एरिन के फ्रेंड्स भी बॉम्ब को लोड करके टाइटन से बचते हुए वॉल्स के तरफ पहुंच जाते हैं लेकिन शिकिशिमा उन्हें रास्ते में ही रोक लेता है और उन्हें अपना प्लान बताता है कि इस बॉम्ब से वो एरिया नंबर 2 पर अटैक कर देंगे और दीवार गिरा देंगे जिससे कि उन्हें ना चाहते हुए भी टाइटन से लड़ना पड़ेगा। और जब वो लोग टाइटन्स को मारने में कामयाब हो जाएंगे तो बाद में वो लोग गवर्नमेंट को भी ख़त्म कर देंगे क्योंकि गवर्नमेंट की वजह से ही उन्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा था। मगर एरिन और उसके फ्रेंड्स इस बात पर एग्री नहीं होते क्योंकि इन सब में बेकसूर लोग भी मारे जा सकते थे। और इसके बीच शिकिशिमा और एरिन की लड़ाई हो जाती है और शिकिशिमा खुद को एक बड़े से जाइंट में बदल देता है खुद को मार के। यहाँ हमें पता चलता है कि शिकिशिमा में भी वो एबिलिटी है कि वो टाइटन बन सके, और ये वही जाइंट है जो एरिन को वहाँ से उठाकर लेकर गया था। टाइटन्स बनने के लिए उन्हें खुद को ही मारना पड़ता है और उनके असली बॉडी नेक के पीछे टाइटन्स को कंट्रोल करती है, लेकिन जाइंट की लाइफ टाइटन्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम होती है क्योंकि वो वैक्सीन से बने हुए थे और टाइटन्स वायरस फैलने से बनते हैं इसलिए वो नहीं मरते।
शिकिशिमा एरिन पर भारी पड़ रहा था, लेकिन एरिन अपनी फाइटिंग स्किल से शिकिशिमा को हरा देता है और एरिन प्लान के मुताबिक बॉम्ब को दीवार के ऊपर फिट करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि कुबाल मरा नहीं था। कुबाल कहता है कि मुझे एरिन को सौंप दो। वो नहीं चाहता था कि कोई भी इंसान को हेल्प करे, क्योंकि इंसानों को डर के दीवारों के पीछे ही छुपे रहना चाहिए। गुस्से में आकर एक लेडी कुबाल को मार देती है और यहाँ हमें पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में हमने जो जाइंट मॉन्स्टर देखा था वो और कोई नहीं बल्कि कुबाल था। कुबाल जाइंट में बदलकर उनके मिशन को रोकने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर शिकिशिमा उन लोगों की हेल्प करने को एग्री हो जाता है और अपनी जान की परवाह ना करते हुए बॉम्ब को किंग जाइंट के मुंह में डाल देता है। एक्सप्लोजिव के होते ही कुबाल मर जाता है और मलबा गिरने से वो बड़ा सा होल भी बंद हो जाता है। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो अपने मिशन में कामयाब हो चुके थे और एरिन और मिकासा का उठते हुए बर्ड्स और समुंदर को देखने का ड्रीम पूरा हो जाता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू।